एक तरफ सत्ता की हनक, दूसरी तरफ विधायकी का रौब दिखाकर जनता को प्रताड़ित करने वाले भाजपा विधायक राजकुमार सहयोगी एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। भाजपा विधायक द्वारा पहले एक थाने के कोतवाल से मारपीट कर आरोप लगे थे, जिसके बाद उनका दूसरा विवाद पेट्रोल टंकी का विवाद जनता के सामने आया था। वहीं पेट्रोल टंकी के विवाद के बाद टोल प्लाजा कर्मियों से मारपीट के आरोप विधायक पर लगे थे, लेकिन एक बार फिर भाजपा विधायक का एक नया विवाद सामने आया है, जिसकी गवाही देने वाला कोई और नहीं बल्कि भाजपा के ही SC मोर्चे के प्रदेश के मंत्री हैं, जिनके द्वारा भाजपा विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा विधायक पर अरुण फौजी के कार्यालय में घुसकर गाली गलौज के आरोप लगाते हुए ब्लॉक प्रमुख इगलास के प्रतिनिधि अरुण फौजी से उनके ही कार्यालय में घुसकर कुर्सी के नीचे बैठने के भी आरोप लगाए, जिसके बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के तहसील इगलास के आंगनबाड़ी केंद्र गाँव पिसावा ब्लॉक इगलास का है, जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र के उद्घाटन की शिलान्यास पट्टिका पर भाजपा के सांसद राजवीर दिलेर का नाम लिखा होने से भाजपा विधायक राजकुमार सहयोगी आक्रोशित हो गए। अलीगढ़ में भाजपा के दो गुटों में गुटबंदी कराने वाले भाजपा विधायक राजकुमार सहयोगी भाजपा के सांसद राजवीर दिलेर से अंदर से बैर रखते हैं, जिसका परिणाम सामने साफ तौर पर नजर आ रहा है। जहां बताया जाता है अलीगढ़ के विधानसभा के इगलास ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाजपा विधायक राजकुमार सहयोगी द्वारा सपा समर्थित ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया था। इस दौरान शिलान्यास पट्टिका पर भाजपा विधायक के साथ सांसद राजवीर दिलेर का नाम देखा तो उनके द्वारा अरुण फौजी को खरी खोटी सुनाई गई। इसके बाद अरुण फौजी जब अपने कार्यालय पर पहुंचे तो भाजपा विधायक द्वारा कार्यालय में घुसकर उनके साथ गाली गलौज की गई, उन्हें कुर्सी से नीचे बैठने की बात की, जिसको लेकर अरुण फौजी का साफ तौर पर कहना है उनको लज्जित करने का काम भाजपा विधायक द्वारा किया गया है। पहले भी एक युवक द्वारा भाजपा विधायक को गाली देने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, लेकिन भाजपा विधायक द्वारा लोकसभा 2024 के चुनाव में अपनी दावेदारी को सुनिश्चित करने के लिए उसमें कोई कार्रवाई नहीं कराई गई। भाजपा विधायक के मनोबल हर रोज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार विवादों को जन्म देने वाले भाजपा विधायक के खिलाफ जल्द ही कोई बड़ा एक्शन पार्टी द्वारा नहीं दिया गया तो भाजपा विधायक के मंसूबे आगे बढ़ते नजर आएंगे। अब देखना होगा भाजपा विधायक के खिलाफ पार्टी किस तरह का निर्णय लेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल SC मोर्चा के प्रदेश मंत्री अरुण फौजी अपनी सरकार में खुद के लिए न्याय मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अरुण फौजी का साफ तौर पर कहना है अगर भाजपा विधायक के खिलाफ पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उनके द्वारा आत्मदाह किया जाएगा। कैसे क्या हुआ है ब्लॉक प्रमुख जी? विधायक की आज इगलास वाले राजकुमार सहयोगी जी उद्घाटन करने के लिए आए थे, एक उसका केंद्र बनाया आंगनबाड़ी का जी, सरकार की तरफ से जी। पत्थर को देखते ही उनका पारा इतना चढ़ गया क्योंकि पत्थर पर माननीय सांसद जी राजवीर दिलेर जी का नाम लिखा हुआ था जी। बोले उद्घाटन करने में आया हूं तो सांसद का नाम क्यों लिखा हुआ है? अब मेरा तो कोई उसमें कसूर था नहीं, मेरी माता जी है ब्लॉक प्रमुख जी, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और प्रदेश में मंत्री हूं मैं SC मोर्चे का, ऐसा भी नहीं है कि मैं पदाधिकारी नहीं हूं। आते ही भड़कने लगे और इतना भड़के, इतना गुस्सा हुए, इतने नाराज हुए कि मुझसे ये कहने लगे कुर्सी से नीचे बैठ जमीन पे। अच्छा, तो क्या चाहते हैं ऐसे? मैंने कहा विधायक जी से, मैं विधायक जी नीचे बैठने की क्यों कर रहे हो, ऐसी इस तरह की भाषा क्यों प्रयोग कर रहे हो? तो मुझसे माँ की गाली देकर बोले साले उठ यहां से, तुझे प्रमुख भी कराता हूँ। हाथापाई भी हुई है? हाथापाई नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैं ऑफिस से बाहर निकल आया। मेरा गुजारिश है इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा। क्या नाम है आपका? अरुण मोदी नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कहाँ रहने वाला हूँ,